दोस्तों, मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है और थोड़ा सा धूप निकल रहा है, थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा सा बारिश भी हुआ था। अभी देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि इससे पहले वाला एपिसोड में बेसिकली आप लोगों को दिखाया मिहार गांव, और वहाँ पे मैंने लास्ट में बोला था कि आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ। आप लोगों को ये भी हिंट, आप लोगों को पता तो ऑलरेडी चली गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा तो दिखाई रहा था, फिर भी आज मैं जिस होम स्टे में रुका हुआ हूँ उसका एक टूर करवाऊंगा। मतलब होम स्टे कैसा है, खाने का क्या फैसिलिटीज़ है, हमें यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है, कितना प्राइस है, और मालिक से भी मिलवाएंगे। यही है एंट्रेंस टू द अपना होम स्टे, और इस होम स्टे का नाम है श्री हरि नरगिस होम स्टे। बाय द वे, मैं हूँ बिल्कुल मिहार गांव के एंट्रेंस में, और ये है एंट्रेंस। आप अगर मिहार गांव घुसने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, सो होम स्टे जाने के लिए इसी गली से जाना पड़ता है क्योंकि मिहार गांव का एंट्रेंस ही यहीं से है। और सबसे पहली बात, जो होम स्टे है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ उसका साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, श्री हरि नरगिस होम स्टे मिहार, और यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम लगा हुआ है और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर ये कॉन्टैक्ट नंबर क्लियर नहीं है, आप लोगों को मैं डिटेल्स में वैसे भी दे दूँगा। फिलहाल हम लोग अभी चलते हैं अपना होम स्टे, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरफ से जाना चाहिए। ओके गाइस, सो जो हरि नरगिस होम स्टे है देखने में कुछ इस तरह का है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाहर से भी देखने में कुछ इस तरह का है। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे बेसिकली होम स्टे का रिलेटिव रहता है, और यहाँ पे रहने का फैसिलिटी नहीं है। जो भी है ऊपर है, और ऊपर बेसिकली चार कमरे हैं। ऐसे होम स्टे का एंट्रेंस यहीं से है, और ये बेसिकली अभी ओपन डाइनिंग स्पेस बनाया हुआ है, बिकॉज अभी तक अंदर या तो ऊपर ऐसे क्लोज्ड कहीं पे बनाया नहीं है डाइनिंग स्पेस। तो यही है डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं, लंच भी यहीं पे करते हैं, और पूरा व्यू के साथ एंजॉय करते हैं। और रूम के, अगर रूम की तरफ जाते हो तो आप लोगों को दिखेगा ऐसा एक छोटा सा बैल्कनी, जहाँ पे आप लोग चेयर लगा के पूरा बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हो, या तो कुछ भी काम आप करना चाहते हो कर सकते हो। ये देखिए, और इस तरफ कुछ ऐसा है। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ रूम के अंदर। ये है बेसिकली हरि नरगिस होम स्टे का एक वन ऑफ द रूम्स। मेरी वाइफ बिजी है, शी इज इन अ वर्किंग मोड, अभी काम चल रहा है उनका। सो बेसिकली ऐसा ही है। देखिए, रूम काफ़ी अच्छा है, मैट्रेस काफ़ी मोटा सा है, और कंबल आपको डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा अगर आप मांगते हो तो। और काफ़ी साफ सा भी है, कोई मतलब गंदा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल साफ है। यहाँ से रूम कुछ देखने के लिए ऐसा है। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये ऊपर जो, ये बेसिकली डुप्लेक्स टाइप सा बना हुआ है, तो ऊपर रूम है, वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ ठहरे हुए हैं। वो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब इस पूरा होम स्टे का फेवरेट मुझे वही लगा, और इसीलिए मैं और मेरी वाइफ वहीं पे हैं। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ रुके हुए हैं क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं सकते। एंड यहाँ पे आप लोगों का वार्डरोब भी है। देखिए, वार्डरोब बहुत, जो भी आप लोग सामान वामान लाते हो तो कहीं और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वार्डरोब में रख सकते हो आप लोग। काफ़ी स्पेस सा बना हुआ है, और जूटा उटा जो भी है वो आप लोग नीचे ऐसे खोल सकते हो। अब चलते हैं, मेरा जो फेवरेट एरिया है वहाँ पे चलते हैं, काफ़ी सुंदर सा है, आप लोग देखना। सो बेसिकली डुप्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर कुछ ऐसा है। मैट्रेस, दो मैट्रेस है, कंबल दिया हुआ है, पिलोज वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे कैंपिंग वाला जो ये मैट है, मैट रखा हुआ है आपका इस वुडन फ्लोर के ऊपर, ताकि आराम से पूरा यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। अलग से बिस्तर नहीं लगाया, मगर ऐसे नीचे ही ग्राउंड पे लगा हुआ, और ये बहुत ही, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि रूफ़ इसका बहुत ही नीचे है। कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ओवरऑल व्यू कुछ इस डुप्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर
का कुछ ऐसा है, और मेरा जो सामान है, हम लोगों का सामान बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, अपना पर्सनल बैग्स है, मेरे वाइफ का है, मेरा है, और जो भी कपड़े हम लोग लेके आए थे यहाँ पे स्टैक किया हुआ है। और हमारे कपड़ा मतलब नीचे वार्डरोब पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मतलब बार बार नीचे जाना पड़ता है, और हमारे ससुर जी कभी कभी सोए हुए होते हैं या तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का अपना सामान यहीं पे रखा हुआ है। और हम मियाँ बीवी का ये है कि हम अपने अपने सामान अपने अपने साइड पे रखते हैं, जैसे ये है मेरे कैमरास हैं, मेरा गिज़मोस, मेरा कैमरा जो भी है, मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और मेरे वाइफ का दो चार जो सामान है इस तरफ रखा हुआ है, जो किताबें हैं उसके और पर्स वगैरह जो भी है, खाना पीने। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रात को जब हम लोग यहाँ पे सोते हैं तो उसका व्यू ही अलग है। मैं यहाँ पे सोते रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो पर्दा नहीं लगा हुआ है ना, पूरा आपको स्काई दिखाई देता है। तो जैसे ही सुबह होता है आपको सीधा आँख खुलते ही आपको आकाश दिखेगा, ऐसा कभी मतलब बहुत कम जगह पे होता है। तो यहाँ से जब आप लोग इस तरफ आओगे तो ये शानदार सा बिल्कुल व्यू दिखाई देगा। और क्या बोलना है, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि ऐसे माहौल पे काम करने का भी कितना मन करता होगा अच्छी तरह, मतलब आप कंसंट्रेशन से काम कर सकते हो या तो आपका मन फ्रेश रहता है ऐसे। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। अब दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बाथरूम फैसिलिटीज़, क्योंकि बाथरूम देखना ज़रूरी है, बहुत लोग बाथरूम देख के ही मतलब ऐसे जगहों पे आते हैं, नहीं तो वो फैसिलिटीज़ कैसा है मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देखिए ये डुप्लेक्स है, देखिए ये डुप्लेक्स है, इसीलिए इन दोनों का, नीचे वाले रूम का और इस वाले रूम का बाथरूम नीचे ही है। नीचे आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ का जो बाथरूम है ये देखिए काफ़ी साफ सा बना हुआ है, फुल टाइल्स से भरा हुआ है, वॉल्स में भी टाइल्स है, बेसिन भी साफ़ है। मगर बेसिकली देखिए ये आप लोगों का जो बाथरूम है ये भी काफ़ी साफ़ है और कोई टेंशन नहीं, गर्म पानी भी आता है सोलर का जो पैनल्स लगा हुआ है उससे। साइड का जो रूम है और डुप्लेक्स से बिल्कुल सेम है, मतलब इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखा दूंगा साइड बाय साइड, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये है श्री हरि नरगिस होमस्टे का टेरेस, या तो रूफ टॉप आप बोल सकते हो, रूफ नहीं है एक्जैक्टली, टेरेस क्या बोलेंगे आप, साइड सा टेरेस है बेसिकली। देखिए ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे किचन है, तो यहाँ पे खुला सा मैदान है जो बाद में शायद ये रूम बनाया जाएगा, मगर यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप मॉर्निंग का चाय पियो या तो इवनिंग का चाय पियो, फिर दिन में यहाँ पे भी बैठ के आप लोग लंच कर सकते हो, या तो वर्किंग आवर्स में टेबल लगा के यहाँ पे काम कर सकते हो। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए एक गाय भी वैसे बैं बैं कर रहा है वहाँ से, और ऊपर थोड़ा क्लाउडी है एंड थोड़ा सा थंडर वो भी आ रहा है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग सा दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए क्यूट सा रेप्टाइल भाग्यो। ओके नाउ अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ का इस होमस्टे का फैसिलिटी ये है कि यहाँ पे सोलर ये लगा हुआ है, इसको पैनल्स तो नहीं बोलेंगे बट पानी गर्म करने के लिए ये सोलर का वो लगा हुआ है, और बाकी टंकी तो अलग सा है ही। अब लेके चलते हैं आप लोगों को किचन की ओर। सो ये है हरि नरगिस होमस्टे का किचन, काफ़ी स्पेसियस सा है, एंड देखिए मैं अगर यहाँ पे आगे जाता हूँ तो लाइट फ्लिकर करेगा, इसीलिए थोड़ा दूर से ही दिखाता हूँ और बात करता हूँ, पर फिर भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आई होप ये वीडियो, आई थिंक ये लाइट फ्लिकर कर रहा होगा, नहीं तो मैं कोई नहीं आप दूर आ जाता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ, देखिए ये किचन काफ़ी स्पेसियस सा है, और इस किचन में आप लोग जो भी खाना चाहते हो ये हमारा जो ओनर है या तो होमस्टे का जो ओनर है वो पका के दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों को खुद पका के कुछ खाना है तो आप बोल सकते हो मालिक को, मालिक आपको दे देगा, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग खुद ही पका के खा सकते हो। अगर आप लोगों को मार्केट से सब्जी वब्जी सब कुछ खरीद के लेके आके आपको पकाना चाहते हो तो पका सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बस एक ही बात है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा एक चार्जेस देना पड़ेगा, और ऐसा भी कर सकते हो कि आप पूरा सामान लेके आ गए जो भी खाना पीने का सामान, और ताराचंद जी को आपने दे दिया, ताराचंद जी आपको पका के देगा, और उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, पर हमारे लिए भी काफ़ी नॉमिनल चार्जेस लगा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोगों को मिलाता हूँ इस होम स्टे का ओनर से, जो है हमारा ताराचंद जी, बहुत हमें इन दिनों बहुत ही अच्छा सर्विस दिया। ताराचंद जी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो
आप सभी को श्री हरि नरगिस होम स्टे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो ज़्यादा मैं ना कहता हूँ कि मैं यही कहना चाहूँगा, टूरिज्म सभी जितने भी हमारे या चाहे इंडियन गेस्ट हो चाहे फॉरनर्स हो कोई भी हो, मतलब सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई मान के चलो सपोज आप हैं मेरे पास, आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल, कैसा लगा आपको, मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना है कि इस जगह पे क्या है, मतलब यहाँ क्या फीलिंग हो रही है आपको, कैसा होना चाहिए यहाँ का, मतलब और के सिवाय यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपको क्या लगता है ये सब। सो हमारा ताराचंद जी मेरे से ओपिनियन जानना चाहता है, मेरे दोस्तों से ओपिनियन जानना चाहता है कि हमको रह के यहाँ पे कैसा लगा, 2 मिनट में बताता हूँ। ओके गाइस, सो ताराचंद जी मुझे मेरे से मतलब ओपिनियन मांग रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरा ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है, मतलब इस गेस्ट हाउस के लिए भी, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ओपिनियन सुन के आप लोग, अगर मेरे ओपिनियन सुन के यहाँ पे आते हो और मैंने जेन्युइन ओपिनियन नहीं दिया तो आप लोग मुझे ब्लेम करोगे कि ये तो एक्चुअली है नहीं। सो मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सो चलो पहले मैं हॉस्पिटलिटी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ के लोगों का मतलब ताराचंद जी का और ताराचंद जी के वाइफ का, जो इन दिनों हमें सर्व कर रहा था अगले 10 दिन से, पिछले 10 दिन से, वो बहुत ही शानदार है। मतलब वो लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते हैं। सपोज़ आप जीबी के मार्केट से कुछ लाना हो जो कि 5 किलोमीटर दूर बाय रोड है, और यहाँ से डायरेक्टली पहाड़ अगर नीचे आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो तो वो नियरली 3 किलोमीटर है, वहाँ से कुछ सामान लाना है, वो कभी भी ना नहीं बोलेंगे। दूसरी बात है, कुछ भी चाहिए बेसिकली, मैं हॉस्पिटैलिटी को आई थिंक आई विल गिव 9 out of 10। दूसरी बात है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हो कि रूम पे कैसा है, बाथरूम में गर्म पानी लगा हुआ है, और खाने में क्या है कि आप लोग कभी भी कुछ भी चाहते हो तो वो लोग खुद बना के दे देंगे, और रूम्स पे अगर ज़्यादा ठंडा है तो एक्स्ट्रा आप लोगों को ब्लैंकेट चाहिए वो दे देंगे। और रही बात इंटरनेट की, और इंटरनेट के बारे में ये है कि, और रही बात इंटरनेट की, इंटरनेट के लिए देखिए आप लोगों के पास अगर जियो का सिम है या तो आप लोगों के पास एयरटेल का सिम है तो बिंदास यहाँ पे इंटरनेट काम करेगा, आप लोग वर्क फ्रॉम हियर कर सकते हो। एंड यहाँ पे ताराचंद जी का अपना एक राउटर भी है अगर आप लोग चाहते हो, वो बेसिकली आप लोग नहीं मांगोगे तब भी वो दे ही देंगे। अभी आते हैं सीनिक ब्यूटी को लेके, सीनिक ब्यूटी को लेके थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ कैसा दिखता है। सो सीनिक ब्यूटी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितना पहाड़ दूर दूर तक, और यहाँ से वेदर का मतलब क्लाउड्स अपना खेल खेलता रहता है, मतलब कभी ऊपर से, मतलब कभी पूरा स्काई क्लियर रहता है, कभी पूरा ढका हुआ रहता है, कभी बारिश होता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होता है, कभी कभी आंधी भी आता है, कभी कभी आंधी भी आता है, और कभी कभी आपको रेनबो भी दिखाई देता है। तो सीनिक ब्यूटी तो A1 है, जस्ट यू के नॉट, मतलब आप जीबी में, मतलब नीचे अगर जीबी के टाउन पे रुकोगे तो आई थिंक वो व्यू आपको दिखेगा, मगर इतना ऊपर से आप नीचे देखने में जो मज़ा है, नीचे से ऊपर देखने का उतना मज़ा नहीं आता है। सो आई थिंक फैसिलिटीज़ सीनिक ब्यूटी तो 10 out of 10 दूंगा। लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कॉस्टिंग के बारे में। देखिए कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को कितना पड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को 10 दिन के लिए 5 आदमी का 20,000 रुपये पड़ा, और यहाँ पे खाना पीना अलग है। हम लोगों ने अपना राशन बिल्कुल नीचे से जीबी से लेके आते हैं और यहाँ पे ताराचंद जी को देते हैं, और ताराचंद जी 3 टाइम पकाने का, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक, और बीच बीच में जो भी सर्विसेज होते हैं सपोज चाय या गर्म पानी, उन सब का उन्होंने 5,000 रुपये लिया है। और राशन पानी हम लोगों को 10 दिन का कितना है, एट द मैक्स हम लोगों को 5-6 हज़ार रुपये पड़ा है। तो बेसिकली ओवरऑल कॉस्टिंग हम लोगों का पड़ गया है 31,000 to 32,000, जो हम लोगों का पर पर्सन बन जाता है 6,000 to 7,000 रुपीज़, जो 10 दिन के लिए क्वाइट अफोर्डेबल है अगर आप ऐसे जगह पे रहना चाहते हो। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आते हो, जीबी में आते हो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जीबी के जो नीचे वाले विलेज हैं, टाउन मतलब नीचे जो विलेज है, जीबी का टाउन पे नहीं रुक के आप लोग थोड़ा अगर ऊपर रुकते हो तो कॉस्टिंग भी आपका सही है, और क्राउड से भी आप दूर रहोगे, और कमर्शियलिज्म भी यहाँ पे ज़्यादा सा नहीं है, क्योंकि ये इस वाले गांव पे, इस मिहार गांव में खाली एक ही होम स्टे है। सो यस गाइस, मेरा रेटिंग ओवरऑल आउट ऑफ 10, मैं इस होम स्टे को देना चाहूँगा 8। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर,
जो आए हम।